सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा एक और बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है और अभी सारी ऐसी स्टेटमेंटें कि हाउसकीपर नीरज सिंह का बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत सर के पुराने मकान में कुछ दिक्कत थी। अब वो दिक्कत क्या थी चलिए आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, मगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ वक्त मुंबई पुलिस ने उनके हाउसकीपर रहे नीरज सिंह से बड़ी पूछताछ करी, जो सुशांत सिंह राजपूत के हाउसकीपर थे नीरज सिंह। अपने बयान में नीरज ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टियों के दौरान सुशांत सिगरेट के साथ मारीजुआना पीते थे, साथ ही उसने ये भी बताया कि सुशांत का पुराना मकान डरावना था और रात को वहाँ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ा करती थी। न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अपने 3 पेज के बयान में नीरज ने पुलिस से कहा कि अप्रैल 2019 में मैंने हाउसकीपिंग स्टाफ के हिस्से के तौर पर काम किया। मुझे सुशांत सर के एक अन्य परिचित व्यक्ति के कहने पर वहाँ काम मिला था। काम मिलने के कुछ ही दिन के बाद बीमार पड़ गया मैं और मैंने काम छोड़ दिया वहाँ से। बीमार पड़ने के कारण मैंने फिर वहाँ से काम छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद ही मैं बीमार पड़ गया था। फिर मई 2019 में सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने मुझे संपर्क किया और मुझे वापस काम पर बुला लिया और मैं वहां वापस काम पर आ गया। तो इस तरह से कहना है जो उनकी वहां पर सुशांत सिंह राजपूत का जो घर था वहां पर डरावनी सी आवाज़ें आया करती थी और जो उनके सुशांत के जो पुराने वाले घर है वहाँ पर रात भर जैसे अगर हम वहाँ पर स्टे करेंगे, रात गुजारेंगे, तो वहाँ रात में लिफ्ट चलने और ड्रम बजाने तक की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। तो ऐसा उनका कहना है अभी हाउसकीपर नीरज सिंह का, जो स्टेटमेंट खुलकर बाहर निकलकर आया है। हालांकि सीबीआई पूरी तरीके से जाँच अभी पड़ताल में लगी हुई है, देखते हैं कि क्या उनके हाथ ऐसे पुख्ते सबूत मिल पाते हैं। जैसे ही अपडेट्स बाहर निकल कर आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।